Today I would like to discuss about progress and development. So, can anyone tell me what is progress? What is progress? बताइए प्रगति क्या है. देखिए प्रगति क्या है. प्रगति इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस. क्या है? धनात्मक प्रक्रिया है. ऋणात्मक नहीं होती. कभी भी प्लस में होती है. कभी भी क्या होती है? जैसे आप ने पिछले साल बीए किया था, इस साल एमए में आए, प्रोग्रेस हुई या डिग्रेस हुई? प्रगति हुई. प्रगति विहीनता नहीं हुई. समझ में आई? कभी भी देखिए परिवर्तन में दोनों हो सकता है. परिवर्तन में दोनों हो सकता है. परिवर्तन एक आदमी मोटा भी हो सकता है, एक आदमी पतला भी हो सकता है. वही मोटा आदमी पतला आदमी फिर मोटा हो सकता है. परिवर्तन में क्या हो सकता है? एक व्यक्ति की तनख्वाह 5 लाख है तो 1 लाख भी हो सकता है. परिवर्तन में एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 है तो 30,000 भी हो सकता है. परिवर्तन में एक व्यक्ति की तनख्वाह 40,000 है तो आगे 70 भी हो सकता है. परिवर्तन में एक व्यक्ति की तनख्वाह 1 लाख है तो आगे 30,000 भी हो सकता है. मंदी आ गई और क्या कह रहे कि वो कंपनी बंद हो गई और 1 लाख तनख्वाह थी, दूसरी कंपनी में उसको 20,000 भी मिल सकता है. हो सकता है ना? किसी स्कूल में किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपया मिल रहा है प्रति माह तनख्वाह और अगले साल 12,000 हो जाता है. ये भी परिवर्तन है. या स्कूल छोड़ने के बाद दूसरे स्कूल में उसकी तनख्वाह 8,000 हो सकता है. ये भी परिवर्तन है. लेकिन परिवर्तन किस दिशा में है ये समझिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर ये परिवर्तन पॉजिटिव है तो प्रगति है. जैसे एक व्यक्ति 7वां क्लास पास करके 8वां में चला गया तो ये क्या होगा? प्रगति. उसी तरह एक व्यक्ति 7,000 कमाता था, आज 12,000 कमा रहा है तो क्या हुआ? प्रगति को आप मेजर कर सकते हैं. प्रगति को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं. ठीक है? और प्रगति 1-डाइमेंशनल होता है. एक आयाम में होता है, एक बिंदु पे होता है. प्रगति क्या होता है? एक बिंदु. जैसे शिक्षा में प्रगति देखिए तो शिक्षा के क्षेत्र में सपोज अगर भारत में शिक्षा का प्रतिशत सपोज 75% अगर साक्षरता है और अगले दशक में 77% होगा तो प्रगति हुई. लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, हर क्षेत्र की बात नहीं होती. समझ में आ रही बात? प्रगति में सिर्फ एक क्षेत्र पर फोकस करते हैं. क्या करते हैं? सिर्फ एक क्षेत्र पर फोकस करते हैं. जैसे पैसा, अगर तनख्वाह बढ़ गया तो प्रगति सिर्फ तनख्वाह में हुई. ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का तनख्वाह बढ़ा लेकिन दिमाग खराब हो गया. सपोज पहले जैसा वो अच्छा इंसान नहीं रहा, व्यवहारिक नहीं रहा, अनुशासित नहीं रहा. हो सकता है ना? सैलरी कम थी, आदमी अच्छा था, मतलब बोलते हैं ना लोग. तो प्रगति में सिर्फ एक बिंदु पे हम फोकस करेंगे, प्रोग्रेस हुआ कि नहीं. सपोज किसी का बाल झड़ रहा है और दवाई खा रहा है और दवाई खाने से बाल झड़ना बंद हो गया. बहुत सारे लोगों का बाल झड़ता होगा और दवाई खाने से 100 मरीज एक डॉक्टर के पास गए और 100 मरीज में 90 मरीज को प्रोग्रेस हुआ. 90 मरीज का बाल झड़ना रुक गया और बाल बढ़ने लगा. इट इज प्रोग्रेस. लेकिन उस 90 मरीज का तनख्वाह कम हो गया, उससे मतलब नहीं है. क्योंकि प्रोग्रेस किस बात पर ध्यान देते हैं? एक बिंदु पर, एक आयाम पे, एक तत्व पे. समझ में आई? एक ही बिंदु पर आपको ख्याल रखना पड़ता है. इट इज प्रोग्रेस. चाहे एजुकेशन में, चाहे सड़क में, चाहे बिजली में, चाहे पानी में, किसी एक बिंदु पे देश की प्रगति कहां है इसको देखना. चाहे आय में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. समझ में आ रही बात? एक पॉइंट पे आपकी प्रगति को जब नोट किया जाता है. हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पॉइंट देखते हैं. डेवलपमेंट आ गया,
उसमें इनकम भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, लाइफ चांसेस भी देखते हैं। लाइफ, अब मान लो लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी चल रही है अभी एक व्यक्ति की, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन सैलरी तो बढ़ गया लेकिन जीवन अच्छा नहीं है, फेर के रख दिया कंपनी वालों ने, होता है ना ऐसा? ऐसा होता है कि नहीं कि 10,000 सैलरी तो बढ़ी लेकिन जीवन एकदम नरक हो चुका है, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, दिक्कतें बढ़ गई। तो सिर्फ एक बिंदु पे प्रगति होती है, प्रगति हमेशा पॉजिटिव होती है, बढ़ती जाती है, वन डायमेंशनल होती है, एक रेखा में होती है। जैसे कोई भी बच्चा पहले 5 साल का था, अब वो 4 साल का हो जाएगा, होगा? कोई बच्चा जब वो 7 साल का है तो अगले साल कितने साल का होगा? 8 का होगा ही होगा। ये प्रोग्रेस है, क्या है? ये प्रगति है। तो प्रगति हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। और प्रगति वैल्यू से रिलेटेड होती है, मूल्य से रिलेटेड होती है, वैल्यू ओरिएंटेड होती है। हम सोचते हैं वो करते हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर है, क्या है? लेकिन छोटा बच्चा 6 साल का है, वो 7 साल का होता है, वो उसकी इच्छा पे, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एग्जांपल है, इच्छा से होता है। जैसे बीए कर लिया, एमए, आपकी इच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप 8वां क्लास किए, 9वां क्लास इच्छा से हुआ था या नहीं? ये जबरदस्ती मम्मी पापा ने मार पीट के लेकिन पढ़ा तो आप नहीं इच्छा से? तो प्रगति कैसे होती है? इच्छा से होती है। वह इच्छा जहां पे जुड़ जाएगा वहां मूल्य जुड़ जाएगा। मूल्य का मतलब हमें ऐसा होना चाहिए, जैसे सपोज एक क्लास रूम में 100 स्टूडेंट है तो उसमें कुछ सोचते मैं फर्स्ट डिवीजन करूंगा, मुझे फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, ये क्या वैल्यू है? जब आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपका नंबर अच्छा आता है। पहले आपका 70% था, अब आपका 80% हो गया, प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि आपने इच्छा जताई, आपने इच्छा किया, वैल्यू आपका था, मूल्य था, आपका वैल्यू है। वैल्यू किसे कहते हैं, इसको आप समझिए। जैसे आप नमस्कार करते हैं किसी को, नमस्कार करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? नमस्कार, एक हाथ जोड़ के नमस्कार सर, एक और झुक के नमस्कार, ठीक है, एक और हाथ जोड़ के नीचे झुक के नमस्कार, एक और पांव छो करके नमस्कार। कितनी कैटेगरी है, लेवल है ना? तो पास तो सब हो गया, लेकिन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सब वैल्यू है। तुमने कितना सम्मान दिया, कितना तेरे दिल में इच्छा थी अच्छा बनने की, जितना पढ़ाई में अच्छा बनना चाह रहे हो तो नंबर अच्छा लाओगे तो प्रगति होगा। तो वैल्यू से जुड़ा, वैल्यू से जुड़ने का मतलब जितना अच्छा अपने बारे में तुम चाहोगे उतना अच्छा तुम बनने की कोशिश करोगे और अच्छे बनोगे। नमस्कार के उदाहरण से, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारा क्लासरूम स्मार्ट हो, बहुत अच्छा हो, हमारा चाहत है इसमें, तो वैल्यू जुड़ गया और हम अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। अभी क्लासरूम ऐसा है, फिर स्मार्ट क्लासरूम हो जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम, तो प्रोग्रेस होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं होता, उद्विकास होता होता है। उद्विकास क्या होता है? खुद से होता है। जैसे अगस्त कॉम्प ने कहा कि समाज धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था में जाती है, तो कैसे जाती है? स्वतः जाती है, जबरदस्ती नहीं जाती। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में तुम ये नहीं घुसा सकते कभी कि जाति छोड़ दो, लेकिन जिस दिन छूट गया खुद से छूटेगा, तुम ला नहीं सकते उसके दिमाग में। जिस दिन लॉजिक आ गया, जिस दिन तर्क आ गया, जाति कुछ नहीं होता भैया, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, कहते हैं ना लोग। लेकिन कुछ लोग बोलते तो हैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, लेकिन मन में रहता है जाति। तो वो कब निकलेगी? खुद से निकलेगी, जिस दिन आपकी समझ इतनी हो जाएगी, इस लेवल पे आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? दैट इज इवोल्यूशन। वो क्या है? उद्विकास है। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस इच्छा से करते हैं, उद्विकास सोता होता है। कोई भी वैज्ञानिक, किसी भी, अगस्त कॉम्प्ट कहते हैं किसी की सोच वैज्ञानिक हो जाएगी सोता, तो समाज वैज्ञानिक हो जाएगा।